मानस तो जब हम बच्चा था तो बहुत सारा जानवर था, इसमें से हम अच्छा से राइनोस वगैरह देखता था उस टाइम में। मानस का जानवर ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हुआ 1990s में, और इसके बाद सालों तक, बहुत सालों तक राइनो देखने को नहीं मिला था। जो लोग पोचिंग कर रहा था और लॉगिंग कर रहा था, हमारा खुद का आदमी लोग ही कर रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम था कि उसको जैसा तैसे भी उसको बचाना है, वापस रिवाइव करना है। बोरो लोग ब्रह्मपुत्र नॉर्थ बैंक में बहुत सालों से है। मानस में 90% कम्युनिटी बोरो कम्युनिटी है, तो रिलेशन बहुत अच्छा है। मानस का जो भी जंगल, चिड़िया, ये सब हमारा बोरो का ट्रेडिशन में रिवील होता है। মই আগতে শিকাৰটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মাৰিছে গাহৰি। গাহৰি মৰাৰ পিছত তাৰমানে মনটো বাঢ়ি গ'ল, পইচা অলপ চলপ পালোঁ। পাই পেলাই আজি গাহৰি মাৰিলোঁ, কালি হৰিণ মাৰিলোঁ, সেনেকুৱা সেনেকুৱা হাতীও মৰা হৈছে কেতিয়াবা, এই বাঘ ভালুকো সেনেকৈ মৰা হৈছে। একটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যে সেইটো কৰিব নালাগে, যে শিকাৰ কৰিব নালাগে, যে কিবা কৰিব নালাগে, সেইটো বাধা দিয়া মানুহ আছে। टू थाउजेंड टू में हम राइनो मारने का इन्फॉर्मेशन मिला, और इसके बाद सालों तक राइनो देखने को नहीं मिला था। पोचर्स लोगों को हम कंजर्वेशनिस्ट में बदल दिया। वो बहुत हमारे लिए बहुत टफ काम था। फर्स्ट तो हमारे बात मानने के लिए तैयार नहीं था बहुत लोग। हम इन लोगों को बोलता था कि अभी तो हम मानस के जो भी है उसको डिस्ट्रॉय करके हम कमा रहा है, लेकिन ये ख़त्म होने के बाद कैसे कमाएगा और हमारा फ्यूचर जनरेशन कैसे जिएगा। धीरे धीरे वो मानस मौजूद इंद्र इको टूरिज्म सोसाइटी आया, तब से मतलब ज़्यादा हिम्मत हुआ। तो हम लोग तुरंत जाके पूरा ओमेन लोग को इकट्ठा करके बोलते थे, देखो जैसे अपना घर का कोई मरुद लोग ऐसे जंगल में जाता है, ये लाता है, आप लोग भी उसको विरोधी करो, रुको। उन लोग तो खुद मना करने लगा कि ऐसे हंटिंग करके मद लाना, अगर लाएगा तो हम नहीं बनाएंगे। जै दिन गार दूँ जो 2003 मानो इंटरेस्ट जो होनोब्ला, जों साला गोदो जों शिकाराव थांनाय समाव मै मासेबो नुनो हायामोन, गावथारै बुथारै जोङो बेसेबां फाप फाप मावनानै जोङो बेसे अयनाय खालामदोंमोन। जुदि जों खालामा हलासिनो गोदोनिफ्रायनो जुदि बेंनायमोनब्ला दा बेसे समायना जागौमोन, बेखौ जोङो साननाय फैयो। इको टूरिज्म स्टार्ट करने के बाद जो भी कम्युनिटीज़ है वो लाइवलीहुड मिल गया, यूथ्स इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला, तो धीरे धीरे सपोर्ट और ज़्यादा होने लगा। हैबिटेट मैनेजमेंट में राइनो का बहुत बड़ा रोल था। अगर राइनो ख़त्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ इधर नुकसान होने जा रहा है, जैसे ग्रासलैंड वगैरह ख़त्म होने जा रहा है, ये सिर्फ हमको मालूम था। रिसर्च का काम उन लोग WWF की तरफ से ही कर रहा था। ऐसे ही हम सब लोग मिलके राइनो को इधर रीइंट्रोड्यूस कर सका। कुछ 30+ बाहर से लेके आया था, अभी 48 राइनोस है। हैबिटेट भी अभी पहले की तरह वापस आने लगा। राइनो मानस का प्राइड है। एक समय में ये ख़त्म हुआ था,
लेकिन अब वापस आने लगा, तो फॉर्मर ग्लोरी जो मानस का ये वापस आ गया। ये मानस माउजी केंद्रीय इको टूरिज्म सोसाइटी का जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन, इसमें लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और इसके वजह से ही मानस का कंजर्वेशन हिस्ट्री सक्सेस हुआ है। इसको एक मॉडल जैसा लेके दूसरा जगह में भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा जो भी नया बच्चा लोग है, उन लोगों का जीने का तरीका और हमसे भी अच्छा होना चाहिए। और ये सब मानस अगर अच्छा से कंजर्व होगा तभी हो पाएगा।